मथुरा में आई बाढ़ ने जहां लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और लोग अपने परिवार के साथ घरों से बेघर हो गए। ऐसे में जहां जिला प्रशासन ने राहत कैंप बनाए जहां लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई है, वहीं वृंदावन के सुपटी देवी प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए उन सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के लिए धार्मिक संस्था जगत गुरु कृपालु परिषद इस समय किसी देवदूत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग को रोजाना सुबह शाम का भोजन सहित नाश्ता भी संस्था कराने का अपना पूरा सहयोग दे रही है प्रशासन को। इसके साथ साथ ही क्योंकि पिछले कई दिनों से बाढ़ राहत कैंपों में जगत गुरु कृपालु परिषद यहाँ इन गरीब और बाढ़ पीड़ितों को इस समय सहायता देकर राहत देने का काम कर रहे हैं, जब उन्हें अपने घरों से बेघर होने के बाद बच्चों के पेट भरने की बड़ी समस्या सामने आई थी, लेकिन जगत गुरु कृपालु परिषद के प्रेम मंदिर के मैनेजमेंट ने प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ सभी लोगों को भोजन प्रसाद कराने का पूरा बीड़ा उठा लिया है और आगे जब तक पीड़ित कैंप में रहेंगे तब तक वो सुबह का नाश्ता खिचड़ी और चाय, दोपहर को सब्जी पूरी और चावल के साथ रात का भोजन भी इसी तरह से लोगों को लगातार वितरण करेंगे, ताकि कोई भी बाढ़ पीड़ित किसी तरह से भूख के कारण परेशान ना हो और उसके परिवार को शुद्ध और ताज़ा बना हुआ भोजन प्राप्त हो सके। जैसे अभी है स्कूल में सुपटी देवी। अच्छा, यहाँ पे जो आपको खाने की व्यवस्था की जा रही है कैसी लग रही है और किन के द्वारा कराई जा रही है? अच्छा लग रहा है, सदगुरु कृपालु द्वारा। अच्छा, किस तरह का खाने, कैसी व्यवस्था है उनकी? खाना बढ़िया, अच्छा। अच्छा, कितने लोगों को खिलाते हैं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? अभी आज यहाँ आए, दूसरा दिन है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी आप जो आपको व्यवस्था करा रहे हैं आपकी? भैया बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे हैं, सब सही से कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, खाना पीना सही मिल रहा है बराबर और कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अभी हम गए थे घर पे तो इतने इतने करिया था पानी का। मंदिर की तरफ से बहुत बढ़िया भोजन आ रहा है जनता के लिए, क्या बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया सुबह नाश्ता आता है, चाय आती है सुबह, देखा एक नंबर भोजन आ रहा है। आप कितने दिन से यहाँ सेवा कर रहे हो? हमको हो गया 5-6 दिन हो गया आज हमको। कितने लोगों को आप प्रसाद खिलाते हैं यहाँ पे? करीबन 1000 आदमी कम से कम। आप कहाँ रहने वाले? पानीघाट, ये विद्यालय सुपटी देवी झुंझुनवाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, यहाँ पर मैं प्रधानाचार्य हूँ डॉक्टर सुमन। यह हमारे यहाँ बाढ़ राहत जो शिविर लगाया गया है, जहाँ पर ये यमुना जी का जल स्तर बढ़ गया है, इनके घरों में पानी भर गया है, उन सभी पर्सन्स को यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर करीब करीब 750 बच्चे हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग आए हुए हैं और 4 दिन से उनकी यही व्यवस्था चल रही है। संस्था की तरफ से जितना हो रहा है, हमारा स्टाफ भी सहयोग दे रहा है, कर्मचारी सहयोग दे रहे हैं, मैं भी पूरा टाइम यहाँ पर रहती हूँ इन लोगों का सहयोग करने के लिए। और यहाँ पर फर्स्ट एड की प्रशासन की तरफ से टीम भी आई हुई है, तो फर्स्ट एड की सुविधा भी की गई है, खाने पीने चाय नाश्ता हर चीज़ की व्यवस्था इनकी की गई है, जिससे कि इन्हें कोई भी असुविधा ना हो और पूरी तरह से इनका ख्याल रखा जा रहा है। जैसे जैसे यमुना जी का स्तर जो है पानी का डाउन होगा, ये लोग अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। प्रभु जी से कामना है इनकी समस्या का निदान जल्द से जल्द हो। यहाँ पर जो खान पान की व्यवस्था की जा रही है, किस संस्था के थ्रू की जा रही है और किस तरह से चल रही है? वो अलग अलग इनकी व्यवस्था है, कभी कहीं से कभी कहीं से, उसके बारे में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ। अलग अलग संस्थाओं से इनका भोजन आ रहा है, अब किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की वो प्रशासन को पता हो। आज जो भोजन यहाँ कराया जा रहा है किस संस्था की तरफ से कराया जा रहा है, जैसे बताया जाए कृपालु परिषद की तरफ? हाँ जी, हाँ जी, आज प्रेम मंदिर का लगा हुआ है यहाँ पर बैनर, तो हर रोज अलग अलग जगह से व्यवस्था हो रही है, उसकी बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ विद्यालय परिवार से जितना हो सक रहा है, कमेटी की तरफ से जितना हो सक रहा है, उतना सहयोग हम कर रहे हैं उन लोगों का और बराबर करते रहेंगे। मेरा नाम अभिषेक अलमद है, मैं जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से हूँ, प्रेम मंदिर की ओर से। और हमारी सरकार के द्वारा हमें कहा गया है कि यहाँ पे 2 कैंप हैं जो सरकार के, उसमें भोजन की सारी व्यवस्था हमने की है। जैसे जैसे सरकार ने बोला, हम उस तरह से भोजन की व्यवस्था सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने दिन से यहाँ पे चल रही है और कब तक चलेगी ये? जिस दिन से देखिए, जब से शुरू हुआ है कैंप 3-4 दिन हो गए, तब से चल रही है और जब तक चलेगा सरकार हमें बोलेगी करने के लिए, तब तक हम पूरा हर संभव प्रयास करेंगे कि हम हर तरीके से सरकार को मदद करें। भोजन के अलावा भी सरकार हमसे कोई मदद चाहती है तो हम वो भी सब करेंगे।